हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्रीतिसी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ, जिसकी सामग्री इस प्रकार है। बासमती राइस 1 घंटा पहले भिगा कर रखी हुई है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट, कटे हुए बड़े प्याज, पनीर, वेजिटेबल्स, इसमें आप अपने अनुसार भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, छोटे कटे हुए ओनियन, दही, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काजू, खड़े मसाले हैं, इसमें आप अपने अनुसार भी कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लौंग लिया है, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, घी, तेल लिया है। आप जो भी तेल यूज करते हैं वो ले सकते हैं। उबले हुए पानी में खड़े मसाले डाल दूंगी। और आधे मसाले बचा के रखना है, खड़े मसाले जो आप सब्जी के टाइम डालें। और ये बासमती राइस डाल दिया। यहाँ पे अपने अनुसार नमक भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने घी लिया, घी में बड़े वो साइज का जो ओनियन कट किया है वो डाला और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलने देना है। ये हमारा रेडी हो गया। इसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे। इसमें काजू भी गोल्डन ब्राउन, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। हमारा राइस तैयार है। ज्यादा कुक नहीं करना है और ऐसे खिला खिला रखना है, इस तरह से। इसको अलग से पानी इसका निकाल लेंगे। हमारा काजू तैयार हो गया, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर डाल लेंगे। पनीर को ज्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा ही तलना है, इस तरह से इसको पलट लेंगे। थोड़ा तेल ऐड करेंगे, इसमें जो बचे हुए खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको लेंगे। फिर प्याज, कटे हुए प्याज डाल लेंगे, थोड़ा पकाएंगे। फिर सारे जो पकने के बाद थोड़ा हल्का पकने के बाद इसमें सब्जियां जो है डाल देंगे। इसको भी ऊपर नीचे अच्छे से चला लेंगे। 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाएंगे इसको। और ये जो राइस है उसको भी हिला के थोड़ा ठंडा होने के लिए फैला के रख देंगे। हमारा ये 5 मिनट होने के बाद इसको फिर से अच्छे से चला लेंगे। और जो पिसे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे, इसको भी अच्छे से चला लेंगे। और 5 मिनट के लिए इसको भी कुक कर लेंगे। इस तरह इसमें मसाले जो है वो ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से इसको चला लेंगे।
नमक अपने अनुसार आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं और इसको भी चला लेंगे अच्छे से। फिर इसमें कर्ड ऐड करेंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला के पका लेंगे। इसमें पनीर ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हमारा बिरयानी के लिए सब्जी जो है तैयार हो गया। 20 मिनट पहले मैंने केसर और दूध में भिगा के रखा हुआ था। सब्जी का पहले नीचे लेयर डालेंगे, फिर राइस का लेयर, फिर केसर दूध डालेंगे और जो गोल्डन फ्राई किया हो ऑनियन डालेंगे, काजू काजू ऐड कर देंगे और सेम ऐसे ही प्रोसीजर फिर से वैसे ही प्रोसीजर हम फिर से करेंगे। ऐसे लेयर तैयार करेंगे, ऊपर से घी डाल देंगे और हमारा जो है वेज बिरयानी तैयार हो गया। हमारा वेज बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरा वेज बिरयानी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।